माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता रे राज्य कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हो जाएछे एवं सेथिरे 17 गोटी प्रस्ताव को कैबिनेट आज अनुमोदन करछन्ते। ता भीतर इम्पोर्टेंट प्रपोजल सब है कटक जिलार नरसिंहपुर बड़म्बा एवं तिगिरिया ब्लॉक रे इरिगेशन पाई हाडुआ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट तार जो डैम कंस्ट्रक्शन पाई टेंडर करा जायतिला तार L1 जो टेंडर है 221 कोटी टंकारे ताकु आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछन्ते एवं एही काम आसंता 2.5 वर्ष मध्य कंप्लीट करा जिवो। या द्वारा नरसिंहपुर बड़म्बा एवं तिगिरिया ब्लॉक रो प्राय 6600 हेक्टर चाष जमी को पानी माड़िबो एवं 3 लक्ष रु अधिक लोक पीवा पानी एही प्रोजेक्ट रु पाइबे। से भले इरिगेशन डिपार्टमेंट तरफ रु आउ गोटे प्रपोजल मध्य राज्य कैबिनेट को आज आसीथिला ता होची ब्राह्मणी लेफ्ट बैंक केनाल र 100 किलोमीटर रु 107 किलोमीटर आरडी मध्य जो मेन केनाल अच्छे तार काम करिया पे टेंडर करा जायथिला जो थिरे 297 कोटी टंकार L1 टेंडर को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछन्ते। ए काम आसंता 36 मास मध्य कंप्लीट करा जिवो। या द्वारा कोरेई ब्लॉक एवं केउंझर जिल्लार बरपदा रामचंद्रपुर ब्लॉक कितने रामचंद्रपुर अंचल प्राय 19,800 हेक्टर जमी को पानी माड़िबो एवं या सहित आनंदपुर बैरेज पाखरे प्राय 30 क्यूमेक रो पानी मध्य ए केनाल द्वारा आनंदपुर बैरेज को जोगे दिया जिवो। तेणु ये दुईटे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जहाँ कि टेंडर होता ताको राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन करछन्ते। हाड़ुआ डैम प्रोजेक्ट एवं रेंगाली लेफ्ट केनाल 100 रु 107 किलोमीटर पर्यंत जो मेन केनाल टेंडर काम या व्यतीत आ गोटे बहुत इम्पोर्टेंट प्रपोजल जहाँ स्किल डेवलपमेंट एवं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ थिला ता होची ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च OUTR जोटा कि आगरो CET थिला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ताकु वर्तमान अपग्रेड करा जाए कि OUTR हेछि ता पई गोटे डेवलपमेंट करिया पई गोटे मास्टर प्लान प्रस्तुत करा जायतिला एवं आसंता 5 वर्ष भितर स्टूडेंट स्ट्रेंथ 5,000 रु 10,000 को वृद्धि करा जिवो एवं एजुकेशन रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी रे एवं IT रे लार्ज स्केल रे इंप्रूव करा जिवो। ता छड़ा आर्किटेक्चर प्लानिंग मैनेजमेंट एवं अप्लाइड साइंस रे मध्य रिसर्च ए सब करिया पे सेते व्यवस्था रहइबो। तेनो आसंता 5 वर्ष मध्य रे ए जो इंस्टीट्यूशन रो इंफ्रास्ट्रक्चर ए सब डेवलपमेंट करिया पे 1,500 कोटी टंका रे जो प्रपोजल आसतला राज्य कैबिनेट को अप्रूव करिया पे ताको आज राज्य कैबिनेट अप्रूव करछन्दे एवं यहा द्वारा यूनिवर्सिटी गोटे स्ट्रांग फोकस रहइबो रिसर्च उपरे एवं लार्ज स्केल डॉक्टरल एवं पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम इत्यादि करा जिवो। सेभली राज्य कैबिनेट आज ओडिशा स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2022 जहाँ को प्रारंभ बोली ना दिया जाए ताको मध्य आज अप्रूव करछन्दे। या द्वारा शिशु मानक विभिन्न डिपार्टमेंट रे जो उन्नतिमूलक कार्य एवं स्कीम सब चलुचे सब मिसेक गोटे नूतन पॉलिसी करा है जहाँ ओडिशा स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2022 ताको आज राज्य कैबिनेट अप्रूव करछन्दे। से भले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ गोटे बहुत इम्पोर्टेंट प्रपोजल आज राज्य कैबिनेट को आसला जहाँ हूँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। आमर अधिकांश अंचल जेहेतु धान चाष हो धान बदल अन्यान्य अर्थकारी फसल एवं नॉन पैडी क्रॉप करने एनकरेज करने गोटे प्रपोजल कृषि विभाग तरफ आसी आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर प्राय 930 कोटी टंका आसंता 3 वर्ष मध्य खर्च होसंता 3 वर्ष समुदाय 3,70,000 हेक्टर राइस फैलो जमीन डाली जातीय फसल करा जिवो एवं प्राय 1.5 लक्ष हेक्टर अपलैंड एवं मीडियम लैंड जमीन मध्य नॉन पैडी अणधान चाष करा जिवो एवं हाई वैल्यू क्रॉप करा जिवो। से भली प्राय 50,000 हेक्टर जमीन आसंता 3 वर्ष धान चाष जोटी होची सेठी इंडिजेनस आरोमेटिक पैडी जोड़ा कि ओडिशा रे बहुत जगह रे बासना चावल
लोकल भेराइट सब अच्छे विभिन्न भेराइट अच्छी ताको एनकरेज कर आसंता तीन वर्ष प्राय 930 कोटी टंका व्यय व्यापक भाव में पैडी लाइन रु पैडी फैलो लाइन रु जमती अर्थकारी फसल सब चाष हो पारे अनेक गुड़े कार्यक्रम हाथ को निजी से भाई आज राज्य कैबिनेट ओडिशा पोर्ट पॉलिसी 2022 को आज अनुमोदन कर एवं पूर्वर जो पोर्ट पॉलिसी थिला 2004 मसीहार जेहेतु से आउटडेटेड हो जाता एवं इन द मीन टाइम ओडिशा मैरिटाइम बोर्ड मध्ये गठन करा जाय छे तेणु ओडिशा पोर्ट पॉलिसी 2022 को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर विद्युत विभाग तरफ एनर्जी डिपार्टमेंट तरफ गोटे वन टाइम सेटलमेंट प्रपोजल जो एरियर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज अच्छी कैप्टिव कंज्यूमर मान कैप्टिव पावर प्लांट जो मान अच्छे से गोटे वन टाइम एरियर सेटलमेंट करने गोटे प्रपोजल आसाला राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन करद्वारा प्राय 1500 कोटी टंका जोटा आदाय हो पार ना आदाय हमारे संभावना अच्छे से भाई जीए डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजल आसाला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी एवं ग्रुप सी स्पेशलिस्ट पोस्ट और सर्विसेस रूल 2022 ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करद्वारा विभिन्न विभाग जो सर्विस रूल सब थी स्पेशलिस्ट पोस्ट अनेक गुड़िया रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करुले वर्तमान कंबाइन करके सिमिलर क्वालिफिकेशन जो मान अच्छे से सब परीक्षा को कंबाइन करके गोटे परीक्षा करा जाय परिबो एवं कैंडिडेट माने चॉइस दे के से माने जे कोनो सी पोस्ट पई अप्लाई करि परिबे एवं यार ओवरराइडिंग इफेक्ट रहइबो सब डिपार्टमेंट जो आगर जो पॉलिसी उडा थिला ता उपरे बा रिक्रूटमेंट रूल थिला ता उपरे ओवरराइडिंग इफेक्ट रहइबो या द्वारा परीक्षा खूब कम समय मधे रहि परिबो एवं कैंडिडेट मान को अधिक खर्च देबा को पड़िबनी एवं खूब शीघ्र आम सब रिजल्ट सब बाहरी परिबे एवं कैंडिडेट माने गोटे परीक्षा दे के विभिन्न चाकरी अप्लाई कर पारे प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजल आसाला मेंटेनेंस ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट फिशरीज एवं एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो अफिस् सब अच्छी विभिन्न इंस्टीट्यूशन सब अच्छी तार रिपेयर और मेंटेनेंस पे 2021 मसीह पंचायतराज इंस्टीट्यूशन मान को दायित्व दि जाइए कि देखाला से मानकर फाइनेंशियल कंडीशन एत भल ना से मेंटेन करवा डिफिकल्ट होणु पुणि थे राज्य कैबिनेट आज डिसाइड कर सब इंस्टीट्यूशन स्पेशली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल सीएससी पीएससी इत्यादि और सब डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल प्लस अन्न्य डिपार्टमेंट जो बिल्डिंग सब पंचायतराज इंस्टीट्यूशन को हैंडओवर कराइला पुणि थे वर्क्स डिपार्टमेंट और आरडी डिपार्टमेंट ताको मेंटेन करिवे एवं विभिन्न डिपार्टमेंट तक फंड्स प्लेस करिवे वर्क्स डिपार्टमेंट आरडी डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस काम करने नुआ बिल्डिंग या वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट आज गोटे प्रपोजाल आसाला 8 जन वर्कचार्ज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मैंने कोर्ट अर्डर जो मैं कोर्ट अर्डर देता से रेगुलाइज करने जो सर्विस कंडीशन अच्छी ओडिशा इंजीनियरिंग सर्विस रिलैक्सेशन करके रेगुलाइज करने राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन कर जीए डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजल आसाला जो मैंने सिंगल अलॉटमेंट पाई डिस्क्रिप्शनरी कोटारे बीडीए सीडीए एवं ओडिशा हाउसिंग बोर्ड से डिस्क्रिप्शनरी कोटा जो मैंने सिंगल अलॉटमेंट पाइले टास्क फोर्स जो रिपोर्ट थिला से रिपोर्ट रु से बाद देवाई आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करद्वारा बहुत अलॉटी जो मैंने बीडीए सीडीए एवं हाउसिंग बोर्ड रु डिस्क्रिप्शनरी कोटारे गोटे घर बा प्लॉट पाई से जो नियम कानून थिला से अनुसार पाई से माने टास्क फोर्स रिपोर्ट रु से बाद दिजिव राज्य कैबिनेट आज अप्रूव कर स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट जीए डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजल आसाला रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंडमेंट करने जो सैरात सोर्स अच्छी तरह माइनर मिनरल को स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट कंट्रोल रे कंप्लीटली रखापी एवं
प्रपोजालटा को राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन करछन्ती एवं वर्तमान रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो माइनर मिनरल ऑक्शन करथुला एवं तार जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स थिला एवं जो मैन पावर थिले से सब वर्तमान ट्रांसफर करा जो स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट को एवं से माने बहुत मेजर मिनरल एवं माइनर मिनरल रो मैनेजमेंट से माने देखिबे से बले जे डिपार्टमेंट थरो आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रपोजल आज आसथिला कोविड पैंडेमिक समय रे हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ रु बहुत जन स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर MPSW मेल फीमेल एमानको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हॉस्पिटल एवं कोविड हॉस्पिटल मानकर कोविड 19 पेशेंट मानकर ट्रीटमेंट पई तांको एंगेज करा हितला वॉकिंग इंटरव्यू माध्यम रे एवं सेमानक पई राज्य सरकार वर्तमान राज्य कैबिनेट डिसाइड करचंदे जे भविष्यत रे जो परीक्षा हबो गोटे परीक्षा पई सेमानको अलाउ करा जिवो 5% एक्स्ट्रा मार्क एक्स्ट्रा वेटेज दिया जिवो सेमानकर परीक्षा रे जादरके सेमाने आसंता जो एसो पोस्ट पई जो परीक्षा हबो गोटे परीक्षा सेमाने देई परबे एवं 5% एडिशनल मार्क पाई परबे जादरके तांको चाकरी पाया पई भविष्यत रे सुविधा हबो एवं जो माने मिनिमम 3 मास पई सरकार के अधीन रे कोविड टाइम रे काम करथिबे सेमाने ए 5% एक्स्ट्रा मार्क पाया पई एलिजिबल हबे से भले राज्य कैबिनेट आज वुमेन्स हेल्प ग्रुप जो माने कि हमर टेक होम राशन तैयारी करछन्दे तार सिलेक्शन प्रोसेस एवं टेक होम राशन जो तैयारी होछे तार एंटर प्रोसेस ताको से माने आज अनुमोदन करछन्दे से भले आज राज्य कैबिनेट ओडिशा म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1950 एवं ओडिशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2003 रो मध्य अमेंडमेंट करछन्दे या द्वारा हमर जो वार्ड कमिटी स्लम डोलर्स एसोसिएशन वुमेन्स हेल्प ग्रुप एवं अन्य कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एमान को रिप्रेजेंटेशन देवा पई एवं सेमान जेंति भल भाव रे पार्टिसिपेट करि परिबे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे सेति पई ए अमेंडमेंट करा जाय छि सभा शेष रे जो प्रपोजल अछि स्टेट कैबिनेट आज अप्रूव करचंदे जतिन दास पद्मभूषण जतिन दास जहाँ को राज्य सरकार गोटे एकर जमी देचंदे खंडगिरी पाखरे गोटे बहुत बड़ा म्यूजियम करिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रो तार कंस्ट्रक्शन पई भारत सरकार का तरफ रु 4,00,000 टंका सहाय्य जोगे दिया जाय छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पई से भली राज्य सरकार मध्य इक्वल अमाउंट 4,00,000 टंका तांको जोगे देबे जा द्वारा कि से जो इनकम्प्लीट होके अच्छे म्यूजियम ताको से कम्प्लीट कर पारे एवं तंगा जो वर्ल्ड क्लास आर्ट आर्टिकल सब अच्छे ताको से डिस्प्ले कर पारे एवं या द्वारा टूरिज्म सब बहुत बढ़े एवं वर्ष सारा से विभिन्न इवेंट सब करा जाय पारे एभली समुदाय आज राज्य कैबिनेट 17 प्रपोजल को अनुमोदन करछन्दे धन्यवाद।